वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम काफ़ी दिनों बाद DHE चंडीगढ़ के एडमिशन्स के रिगार्डिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से कोई लेटेस्ट अपडेट ना होने के कारण मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की प्यारे बच्चों, क्योंकि जो वैकेंसी लिस्ट अब या वैकेंट सीट्स की हम बात करें जो मैंने लास्ट 3 दिन पहले बनाई थी, वही अपडेट अभी भी साइट के ऊपर है। अभी भी मैंने साइट चेक करी सुबह, काफ़ी देर तक मैं सारी DHE की साइट्स को, कॉलेजेस की साइट्स को देखता रहा, और देखने के बाद मैंने देखा कि कोई चेंजेस नहीं दिखा रही। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो हमारी BCom की लिस्ट है वहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह 26 सेक्टर के अंदर अभी भी 51 सीट्स पर काया दिखा रही है। कोई भी अपडेट्स अभी तक लेटेस्ट नहीं निकाली है उन्होंने, तो अपडेट्स ना होने के कारण मैंने भी वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन ये मालूम जरूर है कि एडमिशन्स जो है अब कॉलेज लेवल पर चल रहे हैं, और कुछ बच्चों के अभी भी एडमिशन्स हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस डलते हैं व्हाट्सएप पे, ऊपर आ जाता है कि सर हमारा एडमिशन हो गया, पे का लिंक आ गया, तो उससे पता लगता रहता है। अब इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली बातचीत करेंगे क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्लासेस कब से शुरू होने वाली है। अब जितने भी बच्चों के जितने भी कॉल्स आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही बात पूछते हैं कि हमारी क्लासेस का क्या बनेगा, कब से शुरू होगी। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैं 2 दिन कॉलेजेस की साइट पे चेक कर रहा था। साइट पे क्या चेक कर रहा था प्यारे बच्चों, कि 50 जो सेक्टर वाला कॉलेज है उसके अंदर जो क्लासेस है वो 19 सितंबर से चालू हो चुकी है, 19 सितंबर से चालू हो गई है। और अभी मैंने जैसा पहले मैंने 11 सेक्टर को एजुकेशन वाला चेक किया, उसमें भी उन्होंने गूगल फॉर्म्स के थ्रू इन्वाइट किया हुआ है। और अभी मैंने 11 सेक्टर गर्ल्स कॉलेज खोला हुआ है, उसमें भी आपके जो है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया हुआ है। इन्होंने कहा है कि कोविड के महामारी के चलते हुए जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन लगेंगी, और ऑनलाइन के लिए उन्होंने गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर करने को कहा है, और उसमें आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको मैसेज आएगा, और आपने गूगल जो मीट क्लासरूम है वो आपने ज्वाइन करना है, और उसके बाद आपकी क्लासेस जो है इस तरीके से चलती रहेगी। अभी ऑफलाइन की बात आ रही है कि ऑफलाइन क्लासेस का क्या है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस के अंदर ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है। जैसे कि पिछले साल के जो मेरे व्यूअर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका पिछले साल DHE के थ्रू एडमिशन्स हुआ था, उनके सितंबर से ही क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और वो हॉस्टल में आ चुके हैं, और उनकी जो क्लासेस है ऑफलाइन चल रही हैं फर्स्ट ईयर की। इसलिए अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस ही चल रहा है। अभी एडमिशन जो है अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि भाई एडमिशन क्लोज हो गई है। वैसे तो जो कट ऑफ डेट थी वो 30 सितंबर थी, लेकिन अभी कोई किसी भी साइट के ऊपर अगर हम देखें तो कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है मैसेज कि एडमिशन जो है क्लोज हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा है BSc मेडिकल और नॉन मेडिकल्स की काफ़ी सारी सीटें जो है अभी भी बकाया पड़ी है, तो उनकी एडमिशन अभी प्रोसेस चलेंगी। तो इसलिए अभी क्लासेस स्टार्टिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो आप कॉन्टैक्ट करें। उसके लिए आपको क्या है कि आपके ईमेल जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको मैसेज आएगा, ईमेल आएगी, उसके अंदर आपको यूज़र पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे कि आप गूगल क्लासरूम्स जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अब बाकी कॉलेजेस की में भी यही स्थिति है। अब मैं क्लासेस का जो अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि कल भी मेरी बातचीत हुई, काफ़ी बच्चों के कॉल्स आए, तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि 15 अक्टूबर के आसपास क्लासेस जरूर स्टार्ट हो जाएंगी, और वो मोस्ट प्रॉब्ली ऑफलाइन ही स्टार्ट होगी। अब रहेगी बात हमारे जिन स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिल गया है, उन्होंने तो हॉस्टल फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दिया है, और वो अब हॉस्टल में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी जैसा भी टाइम लगेगा वो आ जाएंगे अपनी पढ़ाई को करने के लिए। अब इसके अलावा मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसके अंदर जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाए हैं और बाहर के बच्चे हैं, वो कहाँ पर PG लें, कहाँ पर PG सेफ है, कितनी अमाउंट उनको स्पेंड करनी होगी, क्या इस टाइम रेट चल रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने डिमांड करी है। काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक हॉस्टल के बारे में तो आपने बता ही दिया था, अब आप एक PG वगैरह के बारे में भी हमें थोड़ा सा गाइड करें, जिससे कि हम आसानी से PG वगैरह लेकर जैसे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें जब हम यहाँ पर आए। क्योंकि सबके लिए चंडीगढ़ शहर नया होगा, लेकिन ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं, बहुत अच्छे सिटी के अंदर आ रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका एडमिशन हो गया चैनल की तरफ से। तो ये कुछ बातें थी जो अपडेट्स के रूप में मैंने आपके साथ शेयर करी। एक PG के जो नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन्स हैं उनकी भी अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ, कि अभी जैसे हिस्ट्री की
और इंग्लिश वगैरह की लिस्टें निकली हैं। उसके बाद एमकॉम की अगर हम बात करें तो एमकॉम में जैसे सीट अगर 40 है तो कुछ एडिशनल सीट्स यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिलने पर मिल जाती है, जैसे 5-5 सीटें और अलॉट हो जाती है। तो वो एक पक्की एडमिशन होती है, उसमें आपने कोई घबराना नहीं है। अगर आपको उसमें एडमिशन मिल रहा है किसी कॉलेज के अंदर तो आप वहाँ पर सेफली एडमिट कर सकते हैं, और वो थ्रू द परमिशन ऑफ वीसी वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू होती है। तो उसमें आपको ऐसे घबराए नहीं कि हमारा एडमिशन जो है इसमें हो रहा है तो हमारे कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी चीज़ें यहाँ पर होती है सारी की सारी फेयर होती है। आप देख ही रहे हैं कि जो DHE का कंट्रोल है पूरे एडमिशंस प्रोसेस के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत बड़े अधिकारी हमारे IAS ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं, तो सेंट्रलाइज है, मेरिट से बिल्कुल बाहर नहीं जाते। आपने काफ़ी बार पूछा भी है मेरे से कि सर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो क्या एडमिशन हो जाएगा, तो आपको कई बच्चे विजिट भी किए हैं, मेरे मना करने के बाद भी उनको यही जवाब मिला है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका एडमिशन होगा, और वो भी फॉर्म भरा है तब भी आपका जो एडमिशन है वो मेरिट के आधार पर ही होगा। अगर आपसे ऊपर वाले बच्चे छोड़ जाते हैं, वैकेंसी होती है, तभी आपका एडमिशन होगा। तो बहुत फेयर है यहाँ सिलेक्शन, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। तो और किसी तरीके के और कोई अगर आपके माइंड में प्रश्न आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो आपको मैं जवाब देने के लिए कोशिश पूरी करूंगा। अभी भी काफ़ी बच्चों के कॉल्स मैं ले पा रहा हूँ और उनको जवाब दे पा रहा हूँ। कमेंट सेक्शंस मैं नहीं कर पा रहा कवर, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अब इसके बाद अब हमारी जो मेन टारगेट रहेगा इस चैनल का वो JEE मेंस और मेडिकल जो है MBBS को कवर करना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे साइंस के विद्यार्थी हैं उन्होंने JEE एडवांस का कल पेपर है 3 का, उसके बाद वो अपने इंजीनियरिंग के एडमिशन में व्यस्त हो जाएंगे। अब जैसे कल जैक चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन आज ओपन हो चुका है, आज मैंने सुबह अपनी पूरी स्टडी करी उसके बारे में। तो इस तरीके की वीडियोस अब आपको अपडेट्स में मिलती रहेंगी, तो अपने इस वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना है। जो बच्चे हमारे एस्पिरेंट है इंजीनियरिंग करने में मेडिकल करने में, उनके लिए बहुत सारी आगे वीडियोस मिलेगी हमारी चैनल की तरफ से। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज EduCare.com। धन्यवाद।